मंत्र से कैसे मर जाएंगे? मंत्र से कहीं आदमी मरा है तो कहिए ना डायन के हम 2 लाख रुपयो देंगे, आ कहिए हमारा पर मंत्र चलाने के लिए। भूत होता है, भूत भूत है। एक आदमी पूछ रहे थे भूत है, भूत है, आप लोग बोलिए। अगर भूत है तो गाय भैंस भेड़ बकरा चार पैर वाला जानवर, साहब कबीर कहते हैं अंड न पिंड न प्राण न देही। भूत के ना अंडा है न देह है न प्राण है न कुछ है, कुछ नहीं। तो चार पैर वाला जानवर बच्चा देते हैं, माता लोग बच्चा देती है, और पक्षी क्या देती है? अंडा। पक्षी अंडा देती है, चार पैर वाले जानवर बच्चा देते हैं, माता बहन लोग बच्चा देती है, अब भूत क्या देता है? अंडा की बच्चा। बोलिए बोलिए, भूत क्या देता है? यही तो रिजल्ट खत्म हो गया, यही जवाब समाप्त है। अगर भूत जोनी है तो बच्चा देता है कि अंडा? बोलिए, एकदम झूठ। साहब कबीर कहते हैं ये भ्रम भूत सकल जा खाया, जिन जिन पूजा तीन जहराया, अंड न पिंड न प्राण न देही, कोटि कोटि जीव कौतुक देही, बकरी मुर्गी किन्न उछेवा, अगला जन्म या अवसर लेवा, कहे कबीर सुनो नर लोय, अभूतवा के पूजे से भूत वे हो। कर्म कीजिए, कर्म को न्यायपूर्ण कर्म कीजिए। कर्म भी हो और कर्म न्यायपूर्ण होना चाहिए, अन्यायपूर्ण नहीं। अभी तो खूब मजा, बेटा मार रहा है दलाल या बाप क्या बतियाता है, बउआ के तनख्वाह तक कम है, ऊपरी आमदनी है ज्यादा। अब ऊपरी आमदनी का परिणाम क्या मिलेगा? वो पिताजी कहां से, वो तो बड़ा छटले घूरते हैं दरवाजे दरवाजे घूम के। हमारा बउआ के ऊपरी आमदनी बहुत ज्यादा है, माने दलाली या घुसखोरी बहुत ज्यादा है। वो दलाली घुसखोरी का परिणाम कौन भोगेगा? वो परिणाम कहीं जाएगा हर जगह से। सब लोग कोरा कागज पर लिख लीजिए, हर जगह से आप क्षमा पा सकते हैं, लेकिन इस प्रकृति में क्षमा नाम का चीज नहीं है। जो जैसा करेगा उसको वैसा परिणाम। इसी गांव में देख लीजिए, यही गांव शोभा छपरा है। सबका जमीन एक समान है क्या? सबका मकान एक समान है क्या? सबका बेटा बेटी एक समान है क्या? सबका गाय भैंस एक समान है क्या? सबको अपना अपना कर्मानुसार है। इसी गांव में ऐसा भी आदमी होगा जिसको घर बनाने तक का जगह नहीं है। इसी गांव में ऐसा भी आदमी होगा जिसका 200 बीघा पड़ती है पड़ल। वो आपके कर्म का अनुसार, कर्म का परिणाम है। अभी तो आप देवी देवता पूजने में लगे हैं, लेकिन कर्म को आप ठीक नहीं कर रहे, फिर वहीं जाएंगे जहां से आए थे, फिर वहीं पहुंचेंगे आप। चूंकि कर्म आपका ठीक नहीं हो रहा है, मंदिर में पूजा करके आप बकरी काट के खा जाते हैं, मछली मंगा के खा जाते हैं, दारू पीते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, तो कर्म तो फिर वहीं पर ले जाएगा आपको। पुनः मूषिको भव, जहां से आए पुनः वहीं आपको चला जाना पड़ेगा, कर्म ठेल के वहां पहुंचा देगा आपको। बंधुओं, कर्म कीजिए लेकिन कर्म कांड से बचिए। सारा लोग जीने के लिए भी कर्म, सुख के लिए भी कर्म, और शांति के लिए भी कर्म। शांति के लिए तो ज्ञान की आवश्यकता है, शांति के लिए तो सत्संग की आवश्यकता है, शांति के लिए तो सद्गुरु की आवश्यकता है, शांति के लिए तो सुंदर वातावरण की आवश्यकता है। लेकिन कर्म करते करते, मंदिर पूजते पूजते, अब मांस मछली खाते खाते अंत हो रहा है समय, कहीं सुधार नहीं, कहीं सुधार नहीं हो रहा है। सारे लोग कर्म कांड में भिड़े हुए हैं, रात दिन दौरा लगा रहे हैं मंदिर के, रात दिन पूजा में लगे हैं, और कर्म ठीक नहीं। क्या कल मैं कहानी कहा था, कर्म कांड करने वाले ने स्वर्ग को नरक बनाया, कर्मकांडी लोगों ने स्वर्ग को नरक बनाया है। बंधुओं, ज्ञान कांड में आइए। ज्ञान कांड का मतलब है यह हमारा जो मंच है, यह कर्म का मंच नहीं है, यह ज्ञान का मंच है।
ये अंधश्रद्धा का मंच नहीं है। आज लोग अंधश्रद्धावादी हो गए। आज पत्थर की पूजा चल रही है, गोबर की पूजा, अग्नि की पूजा, पानी की पूजा, आकाश की पूजा, धरती की पूजा चल रही है। चेतन जीव, ये चेतन जड़ प्रकृति का पूजा कर रहा है। प्रकृति में गुण है, प्रकृति में गुण है, लेकिन ज्ञान नहीं है। ज्ञान होता है चेतन में, जड़ में ज्ञान। ये शरीर आपका जड़ है, प्रकृति से बना हुआ, इसमें कोई ज्ञान नहीं है। नहीं अपने को जान रहा है, न दूसरे को जान रहा है। लेकिन चेतन संसार में दो ही चीज अमर है, और दो ही सत्ता है इस संसार के अंदर, एक प्रकृति और एक पुरुष, एक जड़ एक चेतन। यही दो सत्ता है। प्रकृति से आपका हमारा शरीर बना है और चेतन यही बोल रहा है। ये सबको जानता है, अपने को भी जानता है, लेकिन जड़ न किसी को, सूरज किसी को नहीं जानता है, अपने को भी नहीं जानता है, हवा अपने को भी नहीं जानता है, दूसरे को भी नहीं जानता है, अग्नि अपने को भी नहीं जानती है, दूसरे को भी नहीं जानती है। आज दुर्भाग्यवश, अज्ञानतावश यह चेतन जीव आज जड़ प्रकृति की पूजा कर रहा है, सुख और शांति पाने के लिए। जड़ में गुण है, पानी में गुण है, लेकिन ज्ञान नहीं है। पानी में न ज्ञान है, न ध्यान है, न बुद्धि है, न विवेक है, न दया है, न क्षमा है। जिस पानी का आपने पूजा किया है, उसी पानी में एक दिन नाती डूब के आपका मर जाएगा, उसी पानी में पोता डूब के मर जाएगा। तब क्या कीजिएगा? बाप बाप चिल्लाइएगा, माथा पटकिएगा। जिस पानी का मैंने पूजा किया, वो पानी मेरे ऊपर तो जरा सा भी दया नहीं किया और मेरे नाती को डुबा के मार दिया। तो उसके पास ज्ञान है कि आपके पोता नाती को बचा ले पानी। आज चेतन जी पानी का पूजा कर रहा है। पानी में गुण है, प्यास लगी है तो पी लीजिए, प्यास मिट गया। शरीर में गर्मी लग रही है, स्नान कर लीजिए, शरीर ठंडा हो गया। कपड़ा गंदा है, धो दीजिए, कपड़ा साफ हो गया। फसल सूख रहा है, पानी दे दीजिए, हरा हो गया। पानी से बिजली तैयार कर लीजिए, हीटर चलाइए, गीजर चलाइए, पंखा चलाइए, बल्ब जलाइए। पानी में गुण है, लेकिन पानी में ज्ञान नहीं है कि आपकी रक्षा वो कर देगा और आपके पोता नाती को बचा लेगा। याद कर लीजिए, पूजा करने वाले एक दिन निछप्पड़ करके छोड़ेगा ये पानी आपको। उस समय आपका सारा मिर्गी भगवान वाला उतार देगा। कुछ लोग आग की पूजा करते हैं, इतना महंगा घी जलाते हैं, अरवा चावल, जौ, तिल, नारियल, जटा मसी, गुगुल, इतना महंगा पदार्थ जलाया जा रहा है। आग से कौन गैस निकलता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कहां से फायदा हमको देगा? जिस आग का पूजा किया है, उसी आग में एक दिन गज्जी सिल्क, साउथ सिल्क और बनारसी साड़ी जलेगी। उसी में आपके दुल्हा का कोट फुल पैंट जलेगा और उसी आग में दस्तावेज और खतियान जलेगा। उसी आग में रुपया जलेगा। उसी आग में नाती पोता और बेटी दामाद जलेगी। उसी आग में गाय भैंस जलेगा। तब अग्नि की पूजा आपको अच्छा, मिर्गी सारा उतारेगा ना, तब आपका दिमाग ठीक हो जाएगा, पूजा आपका सही पर चला जाएगा। आप जो जड़ प्रकृति की पूजा करते हैं, वो देगा जब अपना तांडव दिखाएगा। आग लगे तो कहिएगा, बहुत घी पिलाए हैं, अरवा चावल, जौ, तिल, अग्नि महाराज अब क्षमा कर दो। ई चंडाल अगर बिना दमकल के मान जाए, अगर बिना दमकल के मान जाए, आग की पूजा करते हैं, आग देवता है हमारा। कुछ लोग आकाश की पूजा करते हैं, आकाश में भगवान बैठा है। एक दिन की घटना सुनाऊं, मेरा समय अब होने वाला है। एक दिन पूज्य आचार्य सदगुरु धर्म स्वरूप साहेब का कार्यक्रम पूर्णिया जिला के पूर्णिया टाउन के इर्द गिर्द में हो रहा था। उनके जो मठ है उससे 2-4-10 किलोमीटर के दूरी पर साहेब जी नित्यदिन सब सवेर में स्नान ध्यान जलपान करके मंच पर जाते थे और शाम वाला सत्र करके अपना मठ पर आ जाते थे। दूसरा दिन, एक दिन बीत गया, दूसरा दिन के पहला सत्र में जा रहे थे, उधर से दरोगा जी मोटरसाइकिल से आ रहे थे।
साहब जी के गाड़ी में लिखा हुआ देखा, आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहेब जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया। उसने इशारा किया गाड़ी रोकने के लिए, साहब जी ड्राइवर को कहे गाड़ी रोक दो। गाड़ी रुकी, साहब जी ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया, दरोगा आया, साहब जी का चरण पकड़ के प्रणाम किया, कहा गुरु जी सुनने में आया कि आपका कार्यक्रम 3 दिन का पूर्णिया में चल रहा है, विचार किया कि जाऊं, जरा आचार्य श्री के विचार को सुनूं, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया। साहब जी ने कहा क्यों नहीं आए, तो कहता है ऊपर का के कृपा। तो साहब जी कहे ऊपर में भी कोई रहता है क्या, तो कहा आप लोग ऊपर का को नहीं मानते हैं क्या। साहब जी कहे हम निचल का को मानते हैं, ऊपर का को हम नहीं मानते। तब वो कहा कि इसका मतलब आप लोग सच्चे साधु नहीं है। और रामायण का चौपाई बोला, जब द्रवहु दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जब ऊपर का की कृपा होती है परमात्मा की कृपा, तब मनुष्य को साधु की संगति मिलती है। इतने में साहेब जी की दृष्टि उसके होठ पर गया और दरोगा तंबाकू रखा था होठ में। साहेब जी कहे दरोगा जी होठ में तंबाकू है ऊपर का के कृपा से है कि निचला के कृपा से। अब तो वो चका गया, कहा न ये तो निचले के कृपा से। अच्छा मांस भी खाते हैं, दरोगा कहा सो तो हम दारू भी पीते हैं। तो मांस खाते हो ऊपर का के कृपा से कि अपना कृपा से, कहा नहीं तो अपना कृपा से खाते हैं। दारू पीते हो ऊपर का के कृपा से कि अपना कृपा से, कहा नहीं ये भी अपने कृपा से। अच्छा कोई कपार फोड़वा के कपड़ा फड़वा के इज्जत लुटवा के और थाना पर आता है FIR दर्ज कराने, और उस समय जो घूस लेते हो वो अपना कृपा से कि ऊपर का के कृपा से, तो कहा ना ये हो तो अपने कृपा से। साहब जी कहे अरे भले आदमी, डर था जिसका चेले SP या कलेक्टर हो वो दरोगा से डराएगा। साहब जी ने कहा अरे भले आदमी, खैनी खाते हो अपना कृपा से, मांस खाते हो अपना कृपा से, दारू पीते हो अपना कृपा से, घूस लेते हो अपना कृपा से, और सत्संग में जाते हो ऊपर का के कृपा से। हट रोड पर से, रोड पर से हटा के और साहब जी वहां से। सारा कुकर्म मनुष्य अपना कृपा से करता है। कुछ काम के लिए ही मंदिर का दौर लगाता है कि कुछ काम हमारा भगवान भी कर दे। कौन काम करेगा भगवान? भगवान तो अपने विपत्ति से उबर नहीं पाए। क्या क्या नतीजा हुआ है भगवान कृष्ण का, क्या नतीजा हुआ? बाली का बेटा सौतार बन के अंत में मार दिया है भगवान कृष्ण को। पांडव का क्या नतीजा हुआ? पांचों भाई डूब के अंत में सरजू नदी, चारों भाई पांचों भाई हिमालय में गल के मर गए। अब भगवान चारों भाई का क्या दुर्गति हुआ? अंत में सरजू नदी में डूब के चारों भाई अपना प्राण गंवा दिए। आप मुक्ति पाना चाहते हैं, रामा रामा हरे हरे कहते हैं, हरे कृष्णा पढ़ के आप मुक्ति पाना चाहते हैं। हमारे इलाका में गाँव है, उस गाँव में जादव लोग थोड़ा ज्यादा है, अब जादव लोग सब था कबीरपंथी। वहां तंबाकू की खेती होती है, सब लोग तंबाकू की खेती किया, लेकिन थे दुविधा में, थे तो कबीरपंथी लेकिन दुविधा वाला काम, मंदिर मस्जिद वाला काम भी चल रहा था। खैनी माघ का महीना खैनी कट रहा था तंबाकू, और पंडित जी आ गए। पंडित जी ने कहा जजमान अठजाम बहुत दिन हो गया, एक अठजाम तो किया जाए। कहा तो क्या हर्जा है, तंबाकू बिक रहा है 10,000 के कट्ठा, खेते खेत से चंदा मांग करके और चंदा पूरा हो गया। चंदा पूरा हो गया, माघ बसंत पंचमी दिन तय हो गया अठजाम होने का। अब बीच गांव में 10 घर मुसलमान लोग थे,
वो जादगे लोगों से खैनी तंबाकू कच्चा खरीद के और बना उना के अपना बाजार उजार में बेचते थे। उनके पास तंबाकू झांपने के लिए तिरपाल वगैरह बहुत था। जादव लोग कहा कि मौलवी साहब जरा तिरपाल दीजिए, अठजाम में खड़ा करना है। जो मौलवी साहब के पास दो चार पांच तिरपाल था वो दे दिया। जब अठजाम शुरू हुआ, चार पांच घंटा बीता तो पूरब और उत्तर की कोण से बिजली चमकने लगी और बादल गरजने लगा। अब मौलवी साहब का दो चार बीघा खैनी कटा हुआ था। अब तो मौलवी साहब को मिर्गी चढ़ गया। अब तिरपाल दिया अठजाम में, अब बारिश कहीं हुई तो मेरा गला कटेगा, सारा खैनी भीग जाएगा। अपने बेटा को कहा, रे बाबू जाओ जरा अठजाम में। अब जादव लोगों को विनतियों करके दुइयो तीन गो तिरपाल मांग के ले आओ कि खैनी जमा करके झांप देंगे। इनका बेटा गया अठजाम में तो मौलवी साहब के पिताजी जब से अठजाम शुरू हुआ तब से बैठ के देख रहे थे, सुन रहे थे। जब दादा का नजर पोता पर पड़ा तो पूछा, रे बाबू कहाँ आया है? कहा, अब्बा कहा है तिरपाल मांग के लाने के लिए, बिजली चमका है, बादल गरजा है और खैनी कटा हुआ है। उसका दादा कहा, रे बाबू हम तो पांच घंटा से सुना है, इस सब ग्वाला सा भी सनका हुआ है। उसका दादा कहा, ये ग्वाला सब सनका है, अभी हम पांच घंटा से सुना है, ये सब गायले गीत के गावा है और झाल से झलियावा है। गायले गीत के गावा है, झाल से झलियावा है और रह रह का हुम हुमावा है, तब बुझा है दम निकल जाइ है, अभी मंगवही तो ग्वाला सब मार के खराब कर दो, जाए देखनी भीग जाइ है तब भीग जाइए। क्या रट लगा रहे हैं? एक के नाम के कितना दिन दौनी कीजिएगा? ये दौनी करने से क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा, जरा सोचिए तो। ये नाम के दौनी करने से क्या मिलेगा? गेहूं के दौनी कीजिएगा तो गेहूं मिलेगा, आ ये दौनी कीजिएगा तो अंत में क्या मिलेगा, जरा सोचिए समझिए। कर्म कीजिए जीने के लिए, सुख के लिए, लेकिन कर्म कांड में मत फंसिए। ज्ञान की आवश्यकता है। आपके जीवन में शांति आएगी कब? जब आपके अंदर ज्ञान होगा और जब सदगुरु के संगति में आप जाएंगे, सत्संग में जाएंगे और सुंदर वातावरण में जाएंगे, बुरी आदतों को छोड़ेंगे तो आपके जीवन में शांति आएगी। जब सत्संग में जाएंगे तो सारी माता बहने आपको बहन बेटी और माँ के समान दिखाई देगी, तो फिर दरोगा जी की गाड़ी आपके दरवाजे पर लगेंगे क्यों और आपके जीवन में अशांति आएगा क्यों? यह है ज्ञान कांड। जब ज्ञान में आएंगे तो आपके जीवन में शांति आ जाएगी और जब कर्म करेंगे तो आपके जीवन में सुख आएगा, लेकिन कर्म कांड में जाने से न सुख मिलेगा और न शांति मिलेगी, दोनों में से कुछ नहीं मिलेगा। मैं अपने वाणी पर यहीं विराम लेता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।